दोस्तों एक बहुत बड़े प्रेसिडेंट जिनका नाम था रोनाल्ड रेगन, 40th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने बोला था कि यूएसए की वजह से रोड्स नहीं है, रोड्स की वजह से यूएसए है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है एक रोड्स की। और दोस्तों जो है मतलब रोड्स एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी कम कर देता है। अगर मतलब अच्छे रोड्स नहीं होता तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर मतलब अगर एक्सप्रेस वे और हाईवेज उस देश में बहुत ज़्यादा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मतलब और ज़्यादा फास्ट और ईजी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट करना या फिर जो है गाड़ी से जाना। तो जो मतलब उसके अंदर जो पूरे इंडिया की एक वीडियो बनाया था मैंने, पर अभी जानेंगे हम लोग जो ग्रोथ इंजन बन सकता है यूपी। यूपी दोस्तों जो है यूपी के अंदर कौन से अभी के टाइम पे कुछ कुछ जो मेरी रिसर्च के हिसाब से है जो कुछ कुछ एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं और जो बनने वाले मेरी रिसर्च के हिसाब से। तो आज का वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यूपी के रोड्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रोड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं रोड्स की। तो मेरा नाम है वान और मैं हूँ 9 साल का। तो पहली चीज़ आते हैं, पहला जो मतलब है जो कि बन चुका है 2012 के अंदर, तो वो जो है दिल्ली टू आगरा। दोस्तों जो मतलब दिल्ली पास में ही रहता है, मतलब दिल्ली टच करता है बॉर्डर यूपी से, तो जो मतलब वो बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, पर वो यूपी का ही प्रोजेक्ट माना जाता है। तो जो दिल्ली से आगरा जो मतलब बहुत टाइम लगता है तो उसको जो काम करा गया है। फिर उसके जो है नेक्स्ट है आपका आगरा टू लखनऊ। आगरा टू लखनऊ भी मतलब जो है मतलब 6 लेन रोड है और उसमें जो है बहुत टाइम लगता तो उसको जो काम करा गया है। और फिर उसके जो है नेक्स्ट है दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली टू मेरठ दोस्तों। फिर इसके बाद जो मतलब नेक्स्ट है फोर्थ है लखनऊ टू गाजीपुर। तो दोस्तों जो है ये दोनों जो मतलब अगर आप लोग बात करें तो जो है मतलब ये दोनों जो सिटीज़ है वो जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और दोस्तों जो है इन दोनों के पास पास में जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, मतलब जैसे कि अगर किसी को इधर से इधर ट्रांसपोर्ट करना हुआ कोई चीज़ बनाकर, तो जो है मतलब वो बहुत पहले जो है बहुत अच्छे रोड्स नहीं थे, अभी जो है एक्सप्रेस वे बन गया है दोस्तों उधर। और फिर उसके जो है नेक्स्ट चीज़ अभी हम लोग जानते हैं एकता वहाँ टू चित्रकूट दोस्तों जो है, जो कि यूपी के अंदर ही है पूरा। फिर उसका जो है जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पहले तो गोरखपुर टू लखनऊ। फिर उसके जो है गंगा एक्सप्रेस, जो कि मतलब ज़्यादातर उधर हिस्सा गंगा नदी और दोस्तों जो है अलग अलग नदी इसका है, तो जो है मतलब बड़ी जो बड़ा हिस्सा है वो जो है दोस्तों ब्रिज का है, गंगा नदी से जाता है वो, इस वजह से जो उसको गंगा एक्सप्रेस नाम दिया गया है। फिर उसका जो है नेक्स्ट चीज़ है लखनऊ टू कानपुर। दोस्तों जो है कानपुर भी एक अच्छी मॉडर्न सिटी है दोस्तों। फिर उसका जो है कानपुर टू गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद। फिर उसके जो है गोरखपुर टू सिलीगुड़ी। फिर उसके जो है दिल्ली टू देहरादून। ये दोस्तों जो है हमने समझ लिया अंडर कंस्ट्रक्शन कौन से और जो है मतलब कंस्ट्रक्शन कौन से होकर। अभी चलिए जानते कि रोड्स के क्या रहते हैं बेनिफिट। तो पहली तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, और जो मतलब बाहर के जो देश रहते हैं बाहर की जो कंपनीज रहती है वो जो अट्रैक्ट करती है रोड्स को, क्योंकि जितने अच्छे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको मिले उतना जो है उनका फ़ायदा, उनका जितना ज़्यादा जो है उनका तेज ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना जो है जल्दी उनका जो काम होगा, और जो है जितना अच्छा काम होगा तो उधर जो है ज़्यादा अच्छी बेस हो सकती है उनके लिए। इस वजह से कंपनी ज़्यादातर अच्छे रोड्स को ही ढूंढती है, जैसे कि अमेरिका ने और चाइना ने और जापान साउथ कोरिया इन सब ने क्या करा, अच्छे रोड्स बनाए, इनके पास मैग्नेट के जैसे आ गई कंपनीज दोस्तों। तो अगर इंडिया भी या फिर यूपी भी एक अच्छी कराएगा और उसको जो ग्रोथ इंजन बनना है यूपी का, तो जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यूपी के लिए। और अगर हम लोग और चीज़ पर बात करें तो एक्सप्रेसवेज में क्या रहता है कि मतलब कोई ट्रैफिक लाइट नहीं रहती, और जो फटाक से टूरिस्ट के लिए अच्छा रहता है कि मतलब फटाक से निकल जाता है, ज़्यादा टाइम लगता, और ये सब जो छोटे मोटे फ़ायदे जो कि आपको मालूम है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।